इन नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी का पसंदीदा और हमारा खास शो बॉलीवुड रियलिटी। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड सितारों की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं खबरों में रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमेशा ही आम इंसान की जिंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ राज होता है जो वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन बता दें कि हमारे बॉलीवुड सितारों की जिंदगी के भी कुछ ऐसे राज हैं जिनके बारे में सुनकर आप सभी को हैरानी होगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें बॉलीवुड के सुल्तान यानी सलमान खान इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जिनकी जिंदगी खुली किताब की तरह है, आखिर उनकी जिंदगी का ऐसा कौन सा राज है जिसे वो हर किसी से छुपा कर रखते हैं। तो बता दें दोस्तों, हमेशा ही उनकी शादी के बारे में सवाल किए जाते हैं। इतना ही नहीं, एक बार उनकी वर्जिनिटी को लेकर भी उनसे सवाल किया गया। इस सवाल पर सलमान खान ने सच्चाई से जवाब देते हुए कहा था कि वो आज तक वर्जिन है। उनकी इस बात पर हालांकि किसी को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन जब सलमान ने इस राज का खुलासा किया उस वक्त वो काफी गंभीर थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी वर्जिनिटी को अपनी होने वाली पत्नी के लिए बचा कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद उनको लेकर हमेशा ही तरह तरह की खबरें सामने आती रही। इसी लिस्ट में एक और नाम शामिल है, एक्ट्रेस आलिया भट्ट का। जी हाँ दोस्तों, आलिया भट्ट जिन्होंने कम उम्र से ही एक्टिंग करियर की शुरुआत की। अब आप सोच रहे होंगे कि आलिया की जिंदगी में ऐसा कौन सा राज है जिसे वो हर किसी से छुपा कर रखती हैं। बता दें दोस्तों, आलिया ने एक बार खुद ही इस बात का खुलासा किया कि उनको रात में अंधेरे से बेहद डर लगता है। आधी रात में वो अपने कमरे की लाइट जलाकर सोती हैं। ये उनकी जिंदगी का सबसे गहरा राज है। वहीं दूसरी तरफ एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिन्होंने आलिया भट्ट के साथ फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में एंट्री की थी, इनके राज के बारे में अगर हम आपको बताएंगे तो आपको सुनकर भी जरा हैरानी जरूर होगी। बता दें दोस्तों, एक बार सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा था कि फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जब उनको आलिया भट्ट के साथ किसिंग सीन करना पड़ा था, इस बारे में सिद्धार्थ ने कहा कि उनका आलिया के साथ किसिंग एक्सपीरियंस बेहद बुरा रहा। उन्होंने कहा कि आलिया इस मामले में बेहद बोरिंग है और उनको इस काम में जरा भी मजा नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बात काफी फनी है, लेकिन वही सोचने वाली भी है। तो चलिए आज आपको बॉलीवुड स्टार्स के उन राज से रूबरू कराते हैं जिसे जानकर आपको भी बेहद हंसी आएगी और आपको भी खूब मजा आएगा आप सभी के फेवरेट सितारों के राज से रूबरू होने में। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। बी टाउन में अगर किसी की शादी पर सबसे ज्यादा बात की जाती है तो वो है बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान। हमेशा ही उनकी शादी को लेकर उनसे सवाल किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों कभी भी इसका सही सही जवाब नहीं मिल पाता। लेकिन आज हम बात उनकी होने वाली पत्नी से करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों बता दें कि उनकी होने वाली पत्नी से एक ऐसा राज हम आपको बताएंगे जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बता दें कि एक बार किसी रियलिटी शो के दौरान उनसे इस बारे में सवाल किया गया था कि क्या वो वर्जिन है, तो उन्होंने इस बात पर हर किसी को यही जवाब दिया था कि हाँ वो वर्जिन है। लेकिन दोस्तों इस बात को हजम कर पाना काफी मुश्किल है। लेकिन बता दें ये बात कहते हुए सलमान खान काफी सीरियस थे। इसी वक्त उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी को लेकर कहा था कि उन्होंने अपनी वर्जिनिटी को अपनी पत्नी के लिए बचा कर रखा है। अब सलमान की शादी की तो कोई बात भी सामने नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो उस लड़की के बारे में इतना सोच रहे हैं जो शायद अभी तक उनकी जिंदगी में आई भी नहीं है। वेल दोस्तों, ये काफी क्यूट और शॉकिंग स्टेटमेंट है जिसको लेकर सलमान आज तक भी कहीं ना कहीं खबरों का हिस्सा रहते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। लेकिन इन दिनों वो जहां अपनी शादी को लेकर खबरों में बनी हुई है, तो कहा जा रहा है कि वो एक्टर रणबीर कपूर को डेट कर रही हैं और दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। तो साथ ही बता दे, हाल ही में एक खास बात के लिए वो खबरों में है। एक बार उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि आधी रात कमरे में बंद होकर वो क्या करती हैं। दरअसल बता दे दोस्तों, आलिया ने कहा है कि उनको
रात को अंधेरे में डर लगता है, जिसकी वजह से वो हमेशा ही अपने कमरे की लाइट जलाकर सोती है। अब इस बात को सुनकर हर किसी को हंसी तो आ रही होगी, लेकिन आलिया की क्यूटनेस भी इस बात से जाहिर होती है। वेल, बात की जाए अगर इसके अलावा तो बता दे, आलिया इन दिनों अपनी फिल्म राजी को लेकर खबरों में बनी हुई हैं। इस फिल्म में एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग वुमन के तौर पर नजर आई हैं आलिया, और दर्शकों को उनकी फिल्म भी काफी पसंद आ रही है। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर हर किसी को याद होगी। इस फिल्म में तीन स्टूडेंट्स की कहानी होती है जो एक दूसरे को लेकर ही खबरों में रहते हैं। तो इसी फिल्म से तीन स्टार्स ने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली थी। अब वो तीन स्टार्स कौन कौन हैं ये तो आप जान ही गए होंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक्टर वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और एक्ट्रेस आलिया भट्ट के बारे में। तीनों ही स्टार्स को इस फिल्म से काफी लोकप्रियता हासिल हुई। तो बता दे, इस फिल्म के बाद आलिया को बेइज्जत भी किया गया। आपको कराते हैं पूरी खबर से रूबरू। दरअसल इस फिल्म में आलिया और सिद्धार्थ का किसिंग सीन होता है, लेकिन इस सीन के बाद सिद्धार्थ ने आलिया को बेइज्जत भी किया। उन्होंने कहा कि आलिया के साथ किसिंग सीन करना उनके लिए काफी बुरा एक्सपीरियंस रहा, इस मामले में वो बिल्कुल बोरिंग है। वेल, अब इस बात को सुनकर आलिया का क्या रिएक्शन रहा इस बारे में तो कोई खबर सामने नहीं आई। लेकिन बात की जाए अगर इसके अलावा तो बता दें, इस फिल्म के बाद सिद्धार्थ और आलिया के अफेयर की खबरें भी लगातार सामने आ रही थी। बी टाउन में हमेशा ही किसी ना किसी के अफेयर की खबरें आती रहती हैं, और ये सिलसिला हमेशा से ही चला आ रहा है। ऐसे ही आज हम बात कर रहे हैं एक पुराने अफेयर के बारे में। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं एक्टर शाहिद कपूर और करीना कपूर के बारे में। जैसा कि सब जानते हैं, दोनों एक समय पर एक दूसरे के साथ रिश्ते में रहा करते थे, लेकिन जब करीना की जिंदगी में हुई सैफ अली खान की एंट्री तो उन्होंने शाहिद को छोड़कर उनसे शादी कर ली। तो बता दे, जब दोनों का ब्रेकअप हो गया था तो उस समय पर शाहिद कपूर से पूछा गया कि क्या वो करीना के साथ काम करना चाहते हैं। दोस्तों बता दे, इस बात पर शाहिद का जवाब था कि फिल्म डायरेक्टर के कहने पर वो किसी के भी साथ काम कर सकते हैं, चाहे फिर वो गाय हो या फिर भैंस। हालांकि स्टेटमेंट के बाद करीना का कोई भी जवाब सामने नहीं आया। लेकिन अगर बात की जाए हाल ही की, अगर अब दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं तो शाहिद और करीना एक दूसरे को देखकर इग्नोर नहीं बल्कि एक दूसरे के फेस पर स्माइल आ जाती है दोनों को देखकर ही। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर, जो हमेशा ही अपने स्टाइलिश अवतार के लिए जानी जाती हैं, सोनम को जब भी कहीं स्पॉट किया जाता है वो हमेशा ही एक अलग स्टाइल इजाद करती हुई नजर आती हैं। लेकिन बता दे दोस्तों, अपने स्टाइल की वजह से उनको कई बार ट्रोल भी होना पड़ता है। तो ऐसे ही जब सोनम कपूर बिकनी पहन कर आती हैं तो उनको उनके फैंस देखना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि सोनम कपूर नहीं लगती बिकनी में बिल्कुल भी अच्छी। इस बात को एक बार उन्होंने खुद भी कबूला था। उन्होंने खुलासा किया था कि इसी वजह से वो कभी बिकनी नहीं पहनती, क्योंकि वो बिकनी में अच्छी लगती ही नहीं है। वेल दोस्तों, बात की जाए अगर इसके अलावा तो बता दे, इन दिनों सोनम कपूर अपनी आने वाली फिल्म वीरे दी वेडिंग को लेकर खबरों में बनी हुई हैं। इस फिल्म में नजर आने वाला है उनका बोल्ड अवतार, तो साथ ही पिछले कुछ समय से वो अपनी शादी को लेकर भी खबरों में बनी हुई हैं। आनंद आहूजा के साथ शादी कर उनकी तस्वीरें लगातार ही सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। वेल दोस्तों, देखा आप सभी ने आज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी के फेवरेट सितारों के राज के बारे में। जब हमेशा ही वैसे तो हर इंसान का कोई ना कोई ऐसा सीक्रेट होता है जो वो हर किसी से छुपाता है, लेकिन अपने बॉलीवुड सितारों के इन राज से रूबरू होकर आप सभी को भी खूब मजा आया होगा। जहां हम आपको बता चुके हैं सलमान खान, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा तक के बारे में, तो वहीं शाहिद कपूर से भी हम आपको रूबरू करा चुके हैं। दरअसल गौर हो कि एक समय पर शाहिद कपूर और करीना कपूर एक दूसरे के साथ लव अफेयर में हुआ करते थे। ये बात उस दौरान की है जब दोनों का ब्रेकअप हो गया था। उस दौरान उनसे ये सवाल किया गया था कि क्या वो करीना कपूर के साथ काम करना पसंद करेंगे। इस बारे में शाहिद का जवाब था कि वो फिल्म डायरेक्टर के कहने पर किसी के साथ भी काम करेंगे, चाहे वो गाय हो या भैंस। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को बता दे सोनम कपूर के बारे में, जो हाल ही में अपनी शादी को लेकर खबरों में बनी हुई है।
सोनम कपूर ने एक बार इस बात का खुलासा किया था कि उनको बिकनी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको बिकनी पहनना क्यों पसंद नहीं है ये भी हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि सोनम का मानना है कि वो बिकनी में बेहद बुरी लगती हैं, जिसकी वजह से वो नहीं करती बिकनी को पहनना पसंद। तो दोस्तों, इस तरह से देखा आप सभी ने आप सभी के फेवरेट सितारों के उन राज के बारे में जो वो किसी के साथ शेयर करना पसंद तो नहीं करते, लेकिन किसी ना किसी तरह से उनके ये राज आ ही गए हैं आप सभी के सामने। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।